विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों का पैनल तैयार। उम्मीदवारों को लेकर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अंतिम फैसला लेगा। तो सीईसी की बैठक के बाद जारी हो सकती है बीजेपी की पहली लिस्ट। 25 अगस्त को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। हरियाणा बीजेपी की कई दौर की बैठकों के बाद ये पैनल देखिए तैयार किया गया है। बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति ने हर सीट पर पैनल तैयार किया है। उम्मीदवारों के पैनल पर बीजेपी की छोटी टोली ने भी मंथन किया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, देखिए जो बैठक हुई थी बीजेपी चुनाव समिति की और प्रदेश चुनाव समिति की, देखिए दो दिन ये बैठक चली, दो दिवसीय बैठक में देखिए बीजेपी उम्मीदवारों का पैनल तैयार हो गया है। उम्मीदवारों को लेकर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अंतिम फैसला अब लेगा। जो सीईसी की बैठक के बाद जारी हो सकती है बीजेपी की पहली लिस्ट। आप राजिता श्री हमारे साथ बनी हुई हैं। आप राजिता, देखिए जिस तरीके से बीजेपी चुनाव समिति की बैठक हुई है, दो दिवसीय बैठक रही, सभी विधानसभा सीटों पर देखिए पैनल तैयार हो गया है, और क्या कुछ ताजा जानकारी इसको लेकर? जी बिल्कुल, देखिए पैनल तैयार हालांकि हो चुका है, सभी 90 सीटों को लेकर के दो दिवसीय बैठक में 90 सीटों को लेकर के पैनल तैयार किया गया है। कुछ वो पैनल है जिसमें केवल एक नाम है, यानी वो पैनल है जहां पर वो विधानसभा सीट है जहां पर जो मौजूदा जो बड़े नेता हैं या फिर जिनकी जीतने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है, उसमें केवल एक नाम, उन नेताओं के केवल एक नाम पैनल में डाले गए हैं। ऐसे करीब बताए जा रहे हैं कि करीब 15 से 20 पैनल है जिसमें केवल एक नाम डाले गए हैं। वहीं कुछ पैनल ऐसे भी है, कुछ विधानसभा सीटें ऐसी भी है जिसमें 3 या 4 से ज्यादा नाम भी डाले गए हैं। ये बात हो गई जब दो दिन की बैठक हुई थी, जिसके बाद फिर कल शाम देर शाम धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर छोटी टोली की बैठक हुई थी। इस बैठक में अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक मौजूद थे, साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी इस बैठक में मौजूद थे। साथ ही बताया जा रहा है कि और भी नेता इस बैठक में मौजूद थे। अगर इस बैठक की हम बात करते हैं तो फीडबैक लिया गया था, यानी दो दिन तक जो बैठक हुई थी गुरुग्राम के भाजपा कार्यालय में जो बैठक हुई थी, उसमें जो जो चीजें हुई है, जो डिस्कशन हुए थे, उन सभी चीजों का फीडबैक इस छोटी टोली की बैठक में लिया गया था। डिस्कस किए गए थे, हर एक नाम को लेकर वापस से डिस्कशन किए गए थे, और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि कुछ नाम ऐसे भी हैं जिनकी कटाई छटाई हो सकती है। यानी प्रदेश के स्तर पर जब बैठक हुई थी, दो दिवसीय बैठक हुई थी, उसमें नाम डाले गए थे, उसको लेकर के वापस से मंथन किया गया छोटी टोली की बैठक में। और बताया जा रहा है कि उस बैठक में, छोटी टोली की बैठक में कुछ नाम ऐसे भी हैं जिसे काटा छाटा जा सकता है, कुछ नाम को जोड़ा भी जा सकता है अगर जरूरत पड़ी तो। तो बिल्कुल कह सकते हैं कि 25 तारीख को केंद्र नेतृत्व के सामने पेश करने से पहले सभी नामों को वापस से डिटेल में डिस्कस किए जा रहे हैं। और साथ ही ये कहना कुछ गलत नहीं होगा कि 25 तारीख को टेबल के सामने रखने से पहले कुछ नाम अभी भी, कुछ बदलाव अभी भी आ सकते हैं। यानी 25 तारीख तक हम जो पैनल तैयार किया गया 90 सीटों को लेकर के जो पैनल तैयार किया गया, उसमें बदलाव किए जो आसार है वो ज्यादा नजर आ रहे हैं, तो कुछ बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। वही बात करते हैं, अगर हम जो 90 सीटों को लेकर जो पैनल तैयार किया गया है सीट को लेकर के, तो कुछ क्राइटेरिया भी फिक्स किए गए थे, उन सभी क्राइटेरिया को क्लियरली देखा जा रहा है। चाहे दो दिवस से बैठक हो जाए, छोटी टोली की बैठक हो जाए, या जब 25 तारीख को बैठक होने वाली है केंद्र चुनाव समिति की, उसमें भी देखने को क्राइटेरिया मिलेगी। यानी किसका वर्चस्व अपने जमीनी स्तर पर ज्यादा है, किसकी लोकप्रियता अच्छी है जमीनी स्तर पर, जिसने ज्यादा काम किया हो, टिकट मिलने के बावजूद अगर हार का सामना करना पड़ा हो तो भी क्या जनता के बीच में उन्होंने काम किया है, इन सभी चीजों को देखा जाएगा। साथ ही युवाओं को भी देखा जा रहा है, कंसिडर किया जा रहा है, महिलाओं को कंसिडर किया जा रहा है, किसी पर भी किसी प्रकार के दाग धब्बे हैं तो उन्हें साइडलाइन किया जा रहा है, इन सभी चीजों को देखा जा रहा है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी डिसिप्लिन के लिए मानी जाती है, तो डिसिप्लिन एक बहुत मेजर फैक्टर है, उन चीजों को भी देखा जा रहा है। तो इन सभी चीजों को देखते हुए दो दिवसीय बैठक हुई थी, उसमें नाम डाले गए थे, जिसके बाद छोटी टोली की बैठक हुई है, इन वापस से इन सभी चीजों को रिविजन किया गया है, जिसके बाद अब 25 तारीख को बैठक होने वाली है। उस बैठक से पहले भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ और भी चीजें, राजनीतिक गलियारों में अगर भारतीय जनता पार्टी की हम बात करते हैं तो कुछ चीजें भी देखने को वहां पर भी मिल सकती है 25 से पहले। तो बिल्कुल 25 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में, साथ ही गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद है, बताए जा रहे हैं कि रहने वाले हैं, साथ ही तमाम सीईसी के मेंबर्स इस बैठक में मौजूद रहेंगे। हरियाणा प्रदेश के मंत्री के जो भी नेता हैं वो इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं, और आखिरी निर्णय केंद्र नेतृत्व लेती हुई नजर आएगी। अब खुद में देखने वाली बात होगी कि जब केंद्र नेतृत्व के सामने जो पैनल जाएगी, जो लिस्ट जाएगी, तो क्या डिसीजन लिया जाता है।
क्या मौजूदा, क्योंकि अगर प्रदेश के स्तर पर बात की जाए तो ये भी चर्चा चल रही थी कि जिसकी परफॉर्मेंस सही नहीं रही, यानी जिस विधायक की, जिस मंत्री की परफॉर्मेंस सही नहीं रही, जिसे डिसिप्लिनरी एक्शन जैसी कोई चीजें रही हो, या कोई भी इस तरह के जो क्राइटेरिया भारतीय जनता पार्टी ने फिक्स की है, अगर इस तरह की कोई चीजें होती है तो उन्हें साइडलाइन किया जाएगा, ये भी चर्चाएं चल रही थी। वहीं अगर प्रदेश के स्तर पर हम बात करते हैं तो कहा जा रहा है कि तमाम विधायक, मौजूदा विधायक, मंत्रियों को की जो नाम है उन्हें पैनल में ऐड किया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि अगर उन्हें, उनके नाम को पैनल में ऐड किया गया है तो श्रेष्ठ नेतृत्व क्या डिसीजन लेती है। अगर उन्हें मैदान में उतारती है तो युवा नेताओं को किस तरह से मौका मिलेगा, अगर युवाओं को मौका मिलता है, महिलाओं को मौका मिलता है, नए चेहरे को मौका मिलता है, तो क्या कुछ चीजें रहती है, क्या उनका विरोध, जो मौजूदा विधायक होंगे, मंत्री होंगे, उनका विरोध भारतीय जनता पार्टी ले पाएगी, ये भी देखने वाली चीज होगी। हालांकि आंतरिक सम्मेलन से एक चीज हो जाती है जिसको कंसिडर करना बहुत जरूरी भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार होगा, उन चीजों को किस तरीके से टैकल करती है बीजेपी, ये भी खुद में देखने वाली बात होगी। 25 तारीख को बैठक होने वाली है जिसके बाद कहा जा रहा है कि जल्द ही भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची सामने आएगी, यानी हम उम्मीद कर सकते हैं कि 25 की रात या 26 तारीख या 27 तारीख तक मैक्सिमम जो भारतीय जनता पार्टी की जो पहली सूची है वो जल्द जनता के बीच में सामने आएगी, कि सब बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। चलिए, बेहद शुक्रिया पराजित हमारे साथ जुड़ने का तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, 25 अगस्त को बैठक होनी है सीईसी की, और इस बैठक के दौरान बैठक में जो फैसले लिए जाएंगे, प्रत्याशियों को फाइनल किया जाएगा। संभवतः ये कयास लगाए जा रही है कि जो पहली लिस्ट है बीजेपी की वो जल्द ही 25 तारीख के बाद सामने आ सकती है।